नमस्कार मित्रों, आज हम आरसीईआरटी के महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसमें है विषय आप आरसीईआरटी एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ बिंदु हम बता रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, उससे आप आसानी से आरसीईआरटी एग्जाम पास कर सकते हैं। आरसीईआरटी एग्जाम एक साधारण एग्जाम है, इसमें आपको इतने घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी, जिससे आपको एग्जाम देने में कुछ सहायता मिलेगी। एग्जाम देने के हम आपको कुछ 7 महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए, जिसमें 7वां पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। जो 7 नंबर का पॉइंट्स है, उसमें यदि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, उसको आप कैसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, एग्जाम में पहली रात को आप पूरी नींद लें, जिससे दिमाग पर दबाव नहीं पड़ेगा और माइंड फ्रेश रहेगा। इससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें। आपको राइट साइड में नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करेंगे तो एक बेल दिखाई देगी। बेल पे जैसे आप क्लिक करोगे, उसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा ऑल वाला, उस पे टिक करें, जिससे ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको आगे की न्यूज, आगे के पेपर, मोस्ट पेपर या और भी अपडेट्स एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको मिलते रहेंगे। मित्रों, अब आपने सब्सक्राइब कर दिया हो तो हम सेकंड पॉइंट्स पे बात करते हैं, जिसमें आता है सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई टेंशन से पेपर नहीं देना चाहिए। टेंशन से जो हमें आ रहा है वो भी हम भूल जाते हैं, और जो सही आंसर कर रहे हैं उसको भी गलत करके आ सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको 30 मिनट पूर्व पहुँचना चाहिए, जिससे माइंड फ्रेश रहता है, टेंशन नहीं रहती है और कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं रहेगी। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है, यह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, यदि आप पेपर हल कर रहे हैं, सबसे पहले जो पेपर में क्वेश्चन आपको आ रहा है तो पेपर में ही टिक करें। बाद में कई बार पता चलता है कि क्वेश्चन गलत था और अपन ने गलत कर दिया। यदि आपने ओमार शीट पे वो क्वेश्चन का गोला खींच दिया, तो उसके बाद में कोई सोल्यूशन नहीं, वो क्वेश्चन गलत ही रहेगा। आप पेपर पे टिक कर लें, फिर एग्ज़ाम से 15-20 मिनट पहले आप उनको जो फाइनल हो जाए क्वेश्चंस, उनको आप वो मार्कशीट पे उतार लें। एक बात ध्यान रखें, यदि वो मार्कशीट में अपन कोई गोला खींच रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, यदि आपने जो गोला खींच दिया वो फाइनल है, उसके बाद में चेंज नहीं होगा। यदि आप उसमें ओवर राइटिंग करते हैं, दूसरा गोला खींचते हैं, काटा पीटी करते हैं, तो वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यानी वो गलत हो जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप विशेष ध्यान दें, एक बार गोला खींच दिया उसी को अपन फाइनल मान के चलें, और गोला भी प्रॉपर खींचें, ये नहीं अपने टिक का निशान कर दिया या और कुछ, प्रॉपर गोला जिसका हमने एक पिक्चर भी आपको शो किया है, उसके पिक्चर के अनुसार अपन को गोला खींचना है। यदि आपको कोई पर्सन नहीं आ रहा है, उसको 2-3 बार पढ़ें, उसको इंग्लिश में ही पढ़ें, उसको हिंदी में पढ़ें, जो आपका पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। और फिर कई बार क्वेश्चन जो हिंदी में समझ में नहीं आता वो इंग्लिश में समझ में आ जाता है, जो इंग्लिश में नहीं आ रहा वो हिंदी में समझ में आ जाता है, उसको पहले ढंग से पढ़ें और फिर उसको पेपर पे ही टिक कर लें। आरसीईआरटी एग्ज़ाम पास करने के लिए 7वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसमें यदि आपको कोई पर्सन नहीं आ रहा है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये जो हम बता रहे हैं तरीका वो अपनाएं, हो सके उससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। इसमें पहला है, जैसे कोई भी पर्सन आता है, जैसे एक पर्सन है, एक वर्कशीट में आप चयन कर सकते हैं, इसमें कौन सा सही है, इसमें 4th ऑप्शन है, दिए गए सभी यानी ऑल द अबव। यदि आपको इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है, आपको कोई पता नहीं है, तो डी उपरोक्त सभी पे टिक कर दें। कई बार ये सही हो जाता है, यानी 90% ये सही होता है, 10% ये गलत भी हो सकता है। और अधिकतर जो पेपर आए हैं, जिसे क्वेश्चंस देखे हैं, तो उसमें अधिकतर आपको उपरोक्त सभी ही सही मिलेगा। ये टिक जब करना है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो। दूसरा है, जहाँ किसी पर्सन के आंसर में ए एवं ब दोनों यानी ए एंड बी बोथ ऑप्शन आए, तो इसमें
ए एंड बी बोथ दोनों आएगा। जैसे एग्जांपल दिखाएं, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है जिसमें पहला आंसर है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। यदि इस टाइप का यदि प्रश्न आता है और आपको आंसर नहीं आ रहा हो तो आप ये भी टिक कर सकते हैं, ये भी 90% सही होता है, 10% गलत हो सकता है। अब इसमें तीसरा आता है, जहां किसी प्रश्न के उत्तर में यस या नो आए तो अधिकतर आंसर यस ही सही होता है। आजकल पेपर में ये बहुत कम क्वेश्चन हो गया, बहुत कम आता है, और यदि आ जाए आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा हो तो आप इसमें यस ही करें, 90% यस सही होता है, 10% नो सही होता है। इसके बाद में कई प्रश्न आते हैं फुल फॉर्म के, जैसे इसमें एग्जांपल दिखाया है जी यू आई, इसकी फुल फॉर्म। अब सबसे पहला है ग्रामर यूजर इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजेज इंटरनल, और तीसरा है ग्राउंड यूजर इंटरनेट, चौथा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें आप नोट करेंगे ग्राफिकल शब्द का दो बार यूज हुआ है, तो इसका पहला हो गया ग्राफिकल, यूजर शब्द का तीन बार यूज हुआ है, इसका हो गया यूजर, और इंटरफेस शब्द का दो बार यूज हुआ है तो हो गया इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म हो गई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस टाइप से भी हम क्वेश्चन की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रश्न बच जाते हैं जिसका आंसर हमें नहीं मिलता है, अब उसका एक ही ऑप्शन रहता है, या तो उसका आंसर अपन ढंग से समझ के लिख सकते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है ओमार शीट को खाली नहीं छोड़ें, यदि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको भी लिखें, जो आ रहा है उसको भी ओमार शीट में उतारें, क्या पता कोई ऐसा तुक्का चले वो क्वेश्चन सही हो जाए। मान लो आप किनारे पे हो, एक नंबर से रह रहे हो और आपने उभर दिया और उसमें आपका सही हो गया, आप पास हो गए, आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो उस समय, टाइम नहीं बचा हो, तो आप उसको कोई भी एक सीरीज लेके, चाहे ए लो, चाहे बी लो, चाहे सी लो, चाहे डी लो, उसको एक सीरीज में भर के आ जाओ, हो सके उसमें दो चार क्वेश्चन अपने सही हो जाए। इस प्रकार अपन क्वेश्चन पेपर को हल कर सकते हैं। विशेष ध्यान दें, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कोई सा नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चन में काटापिटी नहीं होनी चाहिए, आप काटापिटी जो भी करते हो वो आप पेपर में पहले कर लो, ओमार शीट में नहीं करना है। ओमार शीट में एग्जाम में 20 मिनट्स बची हुई है, उसी समय ओमार शीट उतारना शुरू करें जिससे कोई काटापिटी कोई गलती ना हो, और ध्यान से सावधानी से गोले को पूरा भरें, ये नहीं अधूरा छोड़ें, गोले से बाहर इंक भी नहीं निकले, कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप रोल नंबर जो डाल रहे हो वो प्रॉपर चेक कर लें, और मार्कशीट प्रॉपर भरें, यदि कोई भी ऑप्शन जैसे आपने बुक सीरीज नंबर छोड़ दिया या इसके अलावा रोल नंबर छोड़ दिया या कोई भी ऑप्शन छोड़ते हो तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, ऐसा छोड़ने के बाद में एग्जाम भी रुक सकता है, तो मार्कशीट विशेष तौर पर ध्यान दें और मार्कशीट प्रॉपर भरें। इसमें सबसे विशेष बात यह है इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यदि आप गलती पर क्या होगे क्वेश्चन आंसर गलत दिया है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमको 35 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन पास करने होते हैं, 14 क्वेश्चन हम आसानी से पास कर सकते हैं। ये 100 नंबर्स का पेपर होता है जिसमें 30 नंबर्स इंस्टीट्यूट में होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, 2 नंबर का डेली का एग्ज़ाम चलता है, 15 डेज एग्ज़ाम चलता है जिसके 30 नंबर्स में से हमारे नंबर्स आते हैं, और 70 नंबर्स का थ्योरी पेपर होता है, अल्फ़ाबेट में पेपर होता है, ओमार शीट पर होता है, वो सेंटर आपका जहाँ आता है किसी स्कूल में किसी कॉलेज में वहाँ होता है। आपको 30 में से 12 नंबर लाना ज़रूरी होता है सेंटर पर, इसके अलावा 70 में से 28 नंबर्स लाना ज़रूरी होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर्स का होता है, इससे हम आसानी से RHCET एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ एक बार, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एग्ज़ाम से पहले कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या एग्ज़ाम के कोई मोस्ट नोट्स होते हैं जो भी उससे संबंधित होंगे, हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, नीचे आप राइट साइड में देखेंगे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है,
उस पे क्लिक करेंगे, अभी आपको रेड कलर में दिखाई देगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ये ग्रे कलर में बदल जाएगा और सब्सक्राइब जगह सब्सक्राइब लिखा हुआ हो जाएगा और आपको राइट साइड में बेल दिख जाएगी। बेल पे क्लिक करके और ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें जिससे हम कोई वीडियो जिससे संबंधित आपके पास भेजें तो आपके पास तुरंत पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।